हे गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और आज जो है ना, मतलब मैं अभी सो के उठा ही हूँ, 11:30 हो रहे हैं अभी। कल रात में मैं 12 बजे के आसपास सोया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। और मैं आज की ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा आज घूमने फिरने जाऊँगा, बहुत दूर दूर तक जाऊँगा, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। दो ब्लॉग पेंडिंग पड़े हैं एडिट के लिए, कोई सीखा नहीं एडिट करना, सब टेंशन मुझ पर ही है संभाला हुआ। मम्मी तो थोड़ी ना कर सकती एडिट। गुड इवनिंग गाइस, ये तो नेक्स्ट डे है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे दिन का भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इंक्लूड कर दूंगा इस ब्लॉग में। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए, यानी कि मोदक लड्डू जो होता है वो। तो हम लोग जा रहे हैं लड्डू खरीदने के लिए, लगभग 35 kg के आसपास हम लोग परचेज करेंगे। देख सकते हैं देवघर की गली कितना चिपकी चिपकी हुई है। गली नाम ही इसलिए पड़ा है कि गली छोटा होता है ना, लेकिन यहाँ पे पेड़ा का भंडार है, शंख पोला धागा बद्धी लाठी चूड़ी सिंदूर टिकली सब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे रखा था। शाम का टाइम है अभी और यहाँ पे चल रहा है श्रृंगार। और देखिए आप, ग्राउंड में आदमी की लाइन कतारें लगी हुई है। और हम अभी फिलहाल 2 ट्रे लेके आ चुके हैं, 5-5 किलो के इसमें बंडल बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ गया बोर्ड, हाँ आनंद काल भैरव। यहाँ पे कन्फ्यूजन सी है, यहाँ पे दो भैरव के मंदिर हैं, तो आनंद भैरव और काल मंदिर भैरव। तो कहाँ पे अब जाएगा नहीं जाएगा आई डोंट नो। और रात का भी सीन कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। अभी जो है ना, सब पन्नी जो है ना अंदर पहुंचा दिया है। हम अभी जा रहे हैं बड़े अंकल मोहन अंकल के साथ यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने, माँ अथी काल भैरव करके नाम है कुछ ऐसे, तो उनके पास जा रहे हैं। और एक आनंद भैरव थे जो उधर थे, तो उनके पास पूरा प्रसाद चलेगा इधर, तो दो एक मतलब कि कुछ ही जा रहे हैं महाकाल भैरव मंदिर। अरे उल्टा हाथ में काय लूट के खाबे के मना छे चलू ना, हां जाओ ना। अभी महाकाल के महा आरती हो रहे हैं, अभी भक्तों की भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है, सुबह शाम दिन रात कुछ यहाँ पे पहर है तो होता ही नहीं है। यहाँ पे भीड़ तो ऐसी लगी रहती है जैसे शब्द कम पड़ रहे हैं। Thank you.
मुरारी गुनाथ चलिंगम निरवलाथ चलोथ चलिंगम जय मजलो कलिनाथ चलिंगम जय जय मारी चलाथ वलिंगम देवमुरी जवनाथ चलिंगम बात ऐसी थी कि जो आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं पा रहा होता तो मैंने सीधा जाके ही दर्शन करा दिया। वीडियो वैसे भी इलीगल था लेकिन मैंने लीगल काम कर दिया। इट्स टाइम टू लंच। मैं अभी आ चुका हूँ लंच करने और बगल में चल रही टीवी तो आ चुकी है खाना। मम्मी अपना सादा खाना खा रही है, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है।